हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ फाइनेंशियल बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम मल्टीपल कंपनीज़ के रिजल्ट से रिलेटेड बातें करने जा रहे हैं। अभी बहुत सारी कंपनीज़ के रिजल्ट आए नहीं हैं और बहुत सारी कंपनीज़ के रिजल्ट आ गए हैं, तो जिन जिन कंपनी के रिजल्ट आ गए हैं मैं आपको पेश करके दिखाऊंगा। तो आइए जल्दी जल्दी वीडियो को निपटाते हैं, अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। बट इससे पहले आगे बढ़े वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप हमारे चैनल बॉस ऑफ फाइनेंशियल बाज़ार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और अभी की डेट में मैंने एक कंपनी से रिलेटेड वीडियो डाला है कि कंपनी बोनस अनाउंस करने जा रही है। ओके, इस वीडियो को देख लीजिएगा। शेयर भागता हुआ कल भी भागेगा, आज भी अच्छा खासा भागा है। बड़ा टाटा केमिकल क्यों गिरा, इससे रिलेटेड वीडियो है। और बाकी कोविड से रिलेटेड कुछ न्यूज़ है और उसका कुछ आरबीआई गवर्नर ने कुछ कहा है, तो उनसे रिलेटेड यहाँ पर यह वीडियो बनाई गई है। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जिन शेयर से रिलेटेड हम बातें करने जा रहे हैं, सबसे पहले शेल्वी मैंने क्यों लिया है, क्योंकि देखिए मार्केट में बहुत सारे हॉस्पिटल से रिलेटेड शेयर है और हमारे पास भी शेयर है जैसे कि अपोलो। तो हम देखेंगे कि इससे हमें अंदाज़ा आ जाएगा कि अपोलो का रिजल्ट किस तरीके से आने वाला है, तो इसलिए हमने यहाँ पर ये चूज़ किया है। अगर बात करें यहाँ पर डिविडेंड, तो ₹1 का यहाँ पर डिविडेंड देते हुए कंपनी नज़र आई है। एज वेल एज अगर बात करें यहाँ पर और भी कुछ चीज़ों की, तो यहाँ पर देख लेते हैं इनके रिजल्ट। तो यहाँ पर सीधे आते हैं टोटल इनकम पे। ये इस बार की टोटल इनकम है जो 1439 मिलियन रुपीज़ में है, जो इससे पहले 1160 था। और बात करें इससे Q4 की लास्ट क्वार्टर की, तो लास्ट ईयर के तो 1317 मिलियन रुपीज़। तो ईयरली बेसिस और क्वार्टरली बेसिस अच्छी खासी यहाँ पर जंप लगाई गई है, तो इसलिए बताना चाहता हूँ कंपनी में आप बने रह सकते हैं। अच्छा खासा ये अभी बिजनेस कर रही है और जब तक कोविड है तब तक तो ऑब्वियसली बातें करती रहेगी। टोटल एक्सपेंस की बात करें, 1194 करोड़ का यहाँ पर एक्सपेंस हुआ है, जो 1138 करोड़ रुपये का पिछली बार 1138 मिलियन रुपीज़ का पिछली बार था, और 1095 मिलियन रुपीज़ का यहाँ पर लास्ट क्वार्टर में Q4 में था। अगर बात करें यहाँ पर ईयरली और क्वार्टरली बेस पर जंप है, बट अगर क्वार्टरली बेस बात करें तो लगभग सेम ही नज़र आता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि रिवेन्यू बढ़े हैं और यहाँ पर ये चीज़ टोटल एक्सपेंस कम होते मतलब बराबर ही है, तो कंपनी का प्रॉफिट अच्छा खासा नज़र आएगा। अगर बात करते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड की सीधे, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, तो लगभग 110 मिलियन रुपीज़ का प्रॉफिट होता हुआ कंपनी को नज़र आया है, जो कि लास्ट क्वार्टर की बात करें तो 168.62 माइनस में था। मतलब कंपनी उस टाइम माइनस में काम करती हुई नज़र आ रही थी। तो और यहाँ पर बात करें उससे पहले 163 मिलियन, तो ईयरली बेस पे तो यहाँ पर गिरावट है, बट अगर क्वार्टरली बेस की बात करें तो कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म करके नज़र आ रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड, क्योंकि कोविड में अस्पतालों की अच्छी खासी यहाँ पर इनकम होती हुई नज़र आ रही है। तो आप इन सभी कंपनी मतलब इसकी तरफ नज़रें बना के रख सकते हैं। ओके, कल की डेट में भागता हुआ शायद ये मुझे लगता है कि नज़र आएगा, और ये कोविड के टाइम में तो ये शेयर चांदी चांदी करता हुआ नज़र आएगा। बाकी यहाँ देख लीजिए, ₹1.02 का यहाँ पर EPS है, इससे पहले ₹1.56 का माइनस में था, और उससे पहले अगर क्विक फोर की बात करें ₹1.51। तो मुझे लगता है कि बाकी अपोलो या फिर दूसरे जो मेट्रोपोलिस हॉस्पिटल है, ये सारे के सारे भागते हुए नज़र आएंगे और अच्छे खासे रिजल्ट भी पेश करते हुए नज़र आएंगे। इसके अलावा दूसरी कंपनी पे आ जाते हैं, जो कि PNG की कंपनी है, जिलेट, जो कि मार्केट में भी लिस्ट है। तो बात तो ₹50 का स्पेशल डिविडेंड, इंट्रीम डिविडेंड देती हुई कंपनी नजर आई है। तो इसकी रिकॉर्ड डेट की बात करें, तो अगर आपके पास 14 मई को यहाँ रिकॉर्ड डेट है, 13 को एक्स डेट होगी, 12 मई को अगर आपके पास अकाउंट में ये शेयर होगा तो आपको ₹50 का डिविडेंड मिलता हुआ नजर आएगा। और बात करें ये कब मिलेगा, तो 25 मई से या 2 जून के बीच में यहाँ पर आपको ये डिविडेंड मिलता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा अगर हम इसके रिजल्ट की बात करते हैं, इन रुपीज इन लैक्स में यहाँ पर रिजल्ट है आपके सामने, ये रिजल्ट पेश यहाँ पर आप देख सकते हैं। टोटल इनकम की बात करते हैं, 55,764, इससे पहले 52,421, और इससे पहले की अगर बात करें Q4 की, तो 41,018 रुपीज़ इन लैक्स में यहाँ पर इनकम है। तो बात करें तो इनकम क्वार्टरली और ईयरली दोनों बेसिस पे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो कंपनी इज़ मेकिंग बिजनेस, कंपनी इज़ डूइंग वेरी वेल बिजनेस। और बात करें जिलेट, तो ऑब्वियस सी बात है हर कोई यूज़ करते ही है, बहुत अच्छा ब्लेड्स भी बनाती है और बहुत अच्छी इनके होल्ड मतलब बात करें वर्ल्ड वाइड ही बहुत फेमस है। टोटल एक्सपेंस की बात करते हैं, इस बार 142 लाख रुपीज़ यहाँ पर टोटल एक्सपेंस हुआ है, इससे पहले 40 था, इससे पहले अगर बात करें 33। तो ईयरली क्वार्टरली बेस पे यहाँ पर इंक्रीमेंट है, बट कोई इशू नहीं है। ऑब्वियसली बात है यहाँ पर रेवेन्यू बढ़ेंगे तो एक्सपेंस भी बढ़ते हुए हमें नज़र आएंगे। इसके अलावा यहाँ पर और भी यहाँ पर देखिए कुछ एडजस्टमेंट भी होते हुए नज़र आए हैं, यहाँ पर आप सब चीज़ देख सकते हैं। पिछली बार नेगेटिव में था, अब क्या पॉजिटिव है, तो हर चीज़ का यहाँ पर इफेक्ट देख सकते हैं। बट अगर बात करते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड कितना, तो यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है प्रॉफिट फॉर द पीरियड, हाँ 10,566। ओके, 10,566 का यहाँ पर इस बार का प्रॉफिट है। ओके, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग,
या ये है या ये है, एक बार देखना पड़ेगा। हाँ ये 10,566 लैक्सिन रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। अगर बात करें इससे पहले तो 8190 ओके लैक्सिन रुपीज़ का प्रॉफिट था, इससे पहले 5238। तो अगर बात करें ईयरली बेसिस पे तो दुगना प्रॉफिट होता हुआ नज़र आया है, और क्वार्टरली बेस पे भी बात करें तो लगभग 200 अगर बात करें 2000 लैक्स रुपीज़ का यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट होता हुआ यहाँ पर कंपनी को क्वार्टरली बेस पे भी नज़र आया है। तो अगर हम बात करते हैं ईपीएस की, ईपीएस से आपको सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ईपीएस देख लीजिए, देखिए डबल होता हुआ नज़र आ रहा है ईयरली बेस पे, और बात करें क्वार्टरली बेस पे भी यहाँ पर अच्छा खासा जंप है। तो 3242 का ईपीएस इस बार का है, 2500 का लास्ट टाइम था और 16 का उससे पहले था। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जिलेट की अच्छे खासे रिजल्ट आए हैं ओके, और कंपनी अच्छे रिजल्ट की ही मांग कर रही थी, एक बार अच्छा खासा रिजल्ट आ गया है तो अच्छा खासा भागता हुआ नजर आएगा। अब यहाँ पर क्या ग्रूमिंग ओरल केयर यहाँ पर सेगमेंट वाइज दे रखा है, आप एक बार इस वीडियो को अभी यहाँ पॉज करके यहाँ पर देख लीजिएगा तो आपको सब कुछ पता चल जाएगी, अदरवाइज आप डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं और एक शेयर क्राफ्ट्समैन के बारे में। आपने ऑब्वियसली बात है ये नया शेयर आते हुआ हमें दिखाई दिया था ओके, इसने डिविडेंड तो आई थिंक कोई पे नहीं किया है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बट हाँ क्राफ्ट्समैन अच्छा खासा अगर बात करें मार्केट में जब ये आया था अच्छा खासा मेरे ख्याल से डबल हो गए थे पैसे। तो यहाँ पर इनके रिजल्ट हमने देखे हैं तो इसके रिजल्ट काफ़ी बेशुमार अच्छे खासे रिजल्ट आए हैं। अगर बात करें यहाँ पर टोटल इनकम की, यहाँ पर ये लैक्स इन रुपीज़ में है, यहाँ पर देखना हाँ लैक्स इन रुपीज़ में है। तो इस बार के जो रिजल्ट है ओके यहाँ पर आप देख लीजिए 54,012 लैक्स इन रुपीज़ का, इससे पहले 49 लैक्स इन रुपीज़ का था, इससे पहले 33। तो अगर बात करें ईयरली और क्वार्टरली बेस पे यहाँ पर अच्छी खासी इंक्रीमेंट यहाँ पर नज़र आ रही है। तो कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म करते हुए नज़र आ रही है, जो कि इनके जब IPO आया था तब हमें दिखाई दे रहा था इनके बैलेंस शीट जो इन्होंने दिखाई दी थी। तो अच्छी खासी कंपनी ने जंप लगाई है, तो आप इस कंपनी में हम देखते हैं और आगे चल के। तो एक्सपेंस देखते हैं तो एक्सपेंस यहाँ पर वही 46 लैक्स इन रुपीज़, इस पहले 42 था, इससे पहले 33 था। अगर टोटल अगर प्रॉफिट फॉर द पीरियड हम देख लेते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए 4728 लैक्स इन रुपीज़ का प्रॉफिट होता हुआ कंपनी को नज़र आया है, इससे पहले 4348 था और इससे पहले 406। तो अगर हम बात करते हैं ईयरली बेस पे तो ईयरली बेस पे कंपनी ने यहाँ पर जो जंप लगाई है ओके अच्छी खासी जंप लगाई है, यहाँ पर देख लीजिए लगभग 10 टाइम्स से भी ज़्यादा यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट होता हुआ नज़र आ रहा है, और क्वार्टरली बेसिस पे भी यहाँ पर लगभग अच्छा खासा प्रॉफिट है। तो कंपनी का देखिए 2 रुपये का, एक साल पहले 2 रुपये का EPS था, आज की डेट में 23 रुपये का, और इससे पहले अगर लास्ट क्वार्टर की तो 21 रुपये का EPS था। तो इस कंपनी की तरफ बने रह सकते हैं, और इसकी वजह से अगर बात करें तो आज के डेट में देखिए 5% यहाँ पर भागता हुआ नजर आया, और ये कंपनी को शेयर अब आप अपने पोर्टफोलियो में रखने के बारे में सोच सकते हैं। इससे रिलेटेड में एक फंडामेंटल वीडियोस हम देखेंगे, इस कंपनी के फाइनेंशियल्स एक बार देखेंगे, डिस्कस करेंगे और सब कुछ देखेंगे, फिर उसके बाद हम डिसीजन लेंगे। बात करें 26 मार्च को के लगभग ये शेयर आपको आता हुआ नजर आया था, बाकी फिर गिरा है और फिर यहाँ पर भागता हुआ नजर आया ओके। तो ये वीडियो आपको अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हो गया क्राफ्ट्समैन। इसके बाद अब एंजल ब्रोकिंग का इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि ICICI सिक्योरिटीज़ के देखिए अच्छे रिजल्ट आए थे, और अगर हम बात करें यहाँ पर क्लाइंट यहाँ पर इनके 30 लाख कस्टमर बढ़ते हुए नज़र आए हैं इस क्वार्टर में ओके, एक से एक महीने के अंदर अंदर। तो मुझे लगता है कि आप इस कंपनी की तरफ ध्यान दे सकते हैं, इसके रिजल्ट आएंगे तो कल की डेट में और भागता हुआ शेयर नज़र आएगा। इसके अलावा और बात कर लेते हैं यहाँ पर किसकी, अडानी ग्रीन के अभी रिजल्ट यहाँ पर आए नहीं है, अदरवाइज मैं वो भी शो करता, बट अडानी इंटरप्राइजेस के यहाँ पर रिजल्ट आया, 1 रुपए का इन्होंने डिविडेंड दिया, तो इसे देख लीजिए अडानी ऐसे ही डिविडेंड देती हुई नजर आती है। और अगर बात कर लेते हैं यहां पर इन करोड्स ओके, अडानी के जो रिजल्ट है इन करोड्स में है, टोटल इनकम की बात करते हैं तो 13,688 करोड़ रुपए का यहां पर इस बार का इनकम है। बात करें लास्ट ईयर तो 13,698, तो अगर बात करें ईयरली बेस में यहां पर 10 करोड़ रुपए का लॉस होता हुआ मुझे नजर आ रहा है, बाकी क्वार्टरली बेसिस पे अगर बात करें तो अच्छा खासा यहां पर जंप है ओके, क्वार्टरली बेसिस पे अच्छा खासा परफॉर्म किया, बट ईयरली बेसिस पे एकदम मतलब लॉस में दिखाई दे रहा है। अगर हम प्रॉफिट एक्सपेंस की बात करें तो एक्सपेंस देख सकते हैं, एक्सपेंस में भी यहाँ पर गिरावट है ओके ईयरली बेस पे, बट क्वार्टरली बेस में यहाँ पर बढ़ते हुए एक्सपेंस नज़र आ रहे हैं। और प्रॉफिट फॉर द पीरियड हम अगर देख लेते हैं ओके, यहाँ पर आप देख लीजिए तो 332 करोड़ रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट होता हुआ हमें नज़र आ रहा है ओके, 332 करोड़ का प्रॉफिट अभी होता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर बात करें 343 करोड़ का इस लास्ट टाइम था लास्ट क्वार्टर में, और Q4 लास्ट ईयर 96 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट था। ईयरली बेसिस पे यहाँ पर जंप है, बट क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पर गिरावट नज़र आ रही है। बाकी टैक्स वगैरह यहाँ पर आप देख लीजिए, लास्ट टाइम इन्होंने टैक्स यहाँ पर टैक्स वगैरह बाकी एडजस्टमेंट होते हुए शायद नज़र आए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं
ये एडजस्टमेंट वगैरह और बाकी यहाँ पर प्रॉफिट फॉर द पीरियड यहाँ देख सकते हैं, तो इन सब का इफेक्ट पड़ा है, इस वजह से यहाँ पर कंपनी का ये प्रॉफिट यहाँ पर अच्छा खासा होता हुआ नज़र आया। अदरवाइज यहाँ पर कंपनी ने जिस हिसाब से रिजल्ट पेश किए हैं यहाँ पर आप देख लीजिए, अगर हम यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर एक्सपेंस ज़्यादा होते हुए नज़र आए थे ओके इस बार, तो मतलब इनकम यहाँ पर कम थी लास्ट क्वार्टर Q4 की बात करें तो, और एक्सपेंस ज़्यादा हुए थे ओके, जिस वजह से कंपनी ने सब कुछ तोड़ मोड़ के जो भी आया ये प्रॉफिट आपको नज़र आया। टैक्स वगैरह भी पे नहीं किया था बट इस बार टैक्स भी पे किया है कंपनी, अगर बात करें कंपनी ने टैक्स भी पे किया है ओके 86 का, और बाकी यहाँ पर खर्चा भी कम होता हुआ नज़र आया, इसलिए यहाँ पर 332 करोड़ के प्रॉफिट, तो कंपनी ने ईयरली बेसिस अच्छा खासा परफॉर्म करके दिखाया है। और इसके अलावा EPS की बात कर लेते हैं, जहाँ पर 56 का EPS एक साल पहले था, अभी 2.13 रुपये का EPS है, और पहले इस लास्ट क्वार्टर में 2.70 रुपये का EPS था। तो कंपनी इतने खास रिजल्ट इसने पेश करते हुए नज़र नहीं आए हैं मेरे अकॉर्डिंग ओके, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि एक्सपेंस के मामले में कंपनी बहुत ज़्यादा है, इतने एक्सपेंस अगर कर रही है कंपनी तो प्रॉफिट क्या कर जनरेट करेगी, तो वो सब चीज़ देख के ही मैं बता रहा हूँ, तो शायद कल के डेट में यहाँ पर शेयर ये गिरता हुआ नजर आए, मुझे खास पसंद नहीं आए, बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। बाकी क्राफ्ट्समैन के जो रिजल्ट थे वो तो अच्छे थे, जिलेट की बात करें वो अच्छे थे ओके, एंजल ब्रोकिंग का आप देख लीजिएगा, एंजल ब्रोकिंग अच्छे खासे रिजल्ट शायद पेश करती हुई नजर आएगी, बाकी शेल्बी ने भी अच्छे खासे रिजल्ट पेश करे हैं। तो इसी चीज़ से रिलेटेड वीडियो थी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, और हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, दूसरे लोगों को भी कनेक्ट करें ताकि इस तरीके की नॉलेज उन्हें मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।